गूगल एंड व्हाट्सएप ने इंडिया में कोरोना वायरस को लेके कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स की है। सो है व्हाट्सएप गाइस, माय नेम इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नालिस्ट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में बता देता हूँ। सो आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप एक मेन सोर्स होता है फेक न्यूज एंड फेक इन्फॉर्मेशन फैलने का। सो ऐसी लाइक एक व्हाट्सएप की इमेज बन चुकी है एंड इस इमेज को लाइक व्हाट्सएप सुधार रहा है एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, वीडियो कैंपेन्स के जरिए एंड काफी यूट्यूबर्स के साथ पार्टनरशिप करके काफी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है व्हाट्सएप ने। एंड वहीं पे कुछ फीचर्स भी लॉन्च कर रहा है व्हाट्सएप इन्हीं फेक न्यूज एंड फेक इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए। एंड बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई थी बहुत महीनों पहले भी एंड इस महीने में भी एक अनाउंसमेंट की है व्हाट्सएप ने। एंड इस महीने में व्हाट्सएप ने यह अनाउंस किया है कि जो फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेज है व्हाट्सएप पे, उनको कोई भी एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन को या एक ही ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक चलो फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेज आया है मुझे, सो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे 10 लोगों को भेजूँ एक साथ। सो ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। सो यहाँ पे होगा ये कि मुझे 10 लोगों को अगर भेजना है तो मुझे 10 बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग बोर हो जाएंगे एंड आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सो ये काफी ज्यादा एक इफेक्टिव वे हो सकता है फेक न्यूज एंड फेक इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए। एंड सेम मैसेज बार बार फॉरवर्ड होगा तो सब बोर हो जाएंगे बार बार फॉरवर्ड करने से एंड जो मैसेज है वो अल्टीमेटली एक जगह रुक जाएगा। सो वेल डन व्हाट्सएप, काफी अच्छा फीचर है। एंड व्हाट्सएप सिर्फ इसी पे काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे फीचर्स पे काम कर रहा है। जैसे व्हाट्सएप वर्क कर रहा है कि जो भी फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेज है उसमें जो भी लिखा हुआ होगा वो आप वेरीफाई कर सकते हो गूगल पे व्हाट्सएप के अंदर रहते ही। सो ये फीचर की भी एक न्यूज आई थी आई थिंक कुछ हफ्तों पहले एंड आई एम नॉट श्योर कि ये जो फीचर है वो व्हाट्सएप में आ चुका है या नहीं। एंड इसके बारे में कोई न्यूज भी नहीं है कि ये कब तक आ सकता है। सो डेफिनेटली व्हाट्सएप इस पे काम कर रहे हैं, ये हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काफी सारी चीजें की है व्हाट्सएप ने, पहले भी व्हाट्सएप ने जो फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेज का जो टारगेट था, मीन्स हम कितने लोगों को भेज सकते हैं, वो पहले भी कम किया था। आई थिंक अप्रैल लाइक पहले वाले अप्रैल में कम किया था एंड देन अभी भी एक्शंस लिए। सो व्हाट्सएप डेफिनेटली वर्क कर रहा है कि जो फेक न्यूज है फेक इन्फॉर्मेशन है इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के वक्त ना फैले एंड सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच पाए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल ने क्या किया है। सो गूगल इंडिया क्लोजली इंडियन गवर्नमेंट के टच में है एंड वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो गूगल इंडिया ने अपने गूगल मैप्स फीचर में फुल शेल्टर्स एंड नाइट शेल्टर्स को मैप किया है, मीन्स उनकी लोकेशंस वहां पे डाल दी है एंड ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में टच में रह के ये सब काम किया है ताकि जो लोकेशंस हो वो एक्यूरेट हो एंड कोई भी गलत लोकेशन गूगल मैप्स में दिखाई ना दे। सो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम किया है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, उनको खाने की शॉर्टेज है, सोने की जगह की शॉर्टेज है, तो ऐसे में वो क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी लोग पैदल जा रहे हैं अपने घर पे एंड बीच में खाना उनको लाइक खाने की जरूरत पड़ सकती है, उनको सोने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में किसी को किसको पूछेंगे, लाइक सब लोग अपने घर में है। सो वो जस्ट अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को ओपन करे, गूगल मैप्स में जाए एंड वहां पे उनको जो फूड शेल्टर्स है नाइट शेल्टर्स है उनकी लोकेशन मिल जाएगी। सो ये बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव रास्ता है ऐसे सिचुएशन में दूसरे लोगों को या फंसे हुए लोगों को हेल्प करने का। सो गूगल इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। ऑल्सो अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर फूड शेल्टर्स एंड नाइट शेल्टर्स को सर्च करना चाहते हैं गूगल मैप्स में, देन वो आप कैसे कर सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको जस्ट लिखना है कि फूड शेल्टर्स इन स्पेस सिटी, मीन्स आपका सिटी का नाम एंड नाइट शेल्टर्स इन स्पेस सिटी। सो आपको जस्ट इतना ही करना है एंड गूगल मैप्स आपके एरिया में जो नियरेस्ट फूड शेल्टर्स होंगे या फिर नाइट शेल्टर्स होंगे वो बता देगी एंड आप नियरेस्ट किसी फूड शेल्टर या नाइट शेल्टर में जाके अपना जो भी खाना खा सकते हैं या सो सकते हैं। सो ओवरऑल काफी अच्छा काम किया है। सो गूगल एंड व्हाट्सएप ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बट अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। आपको अपने घर में ही रहना है एंड आप घर में रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और जो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुंच पाए, और कमेंट करके बताएं कि आप गूगल एंड व्हाट्सएप के बारे में क्या सोचते हैं एंड सब्सक्राइब करते मेरे चैनल टेक्नालिस्ट को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।